हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू ग्रामर फॉर क्लास 3 to 6। ओके, एंड द टॉपिक नेम इज आर्टिकल्स। वंस अगेन, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 3 to 6। ओके, इट मीन्स दिस वीडियो इज फॉर 3, 4, 5 and 6. Okay, now let's start. Here is articles. You know that there are three articles, that is a, an and the. आप जानते हैं English grammar में three articles है, a, an and the. Now हम लोग one by one a, an and the का यूज देखेंगे. ओके, हियर यू सी दैट ए एंड एन आर इंडिफिनिट आर्टिकल्स। अगर हम लोग आर्टिकल्स की बात करेंगे तो आर्टिकल्स भी टू टाइप्स का होता है, दैट इज इंडिफिनिट आर्टिकल्स एंड डिफिनिट आर्टिकल्स। तो हम लोग अगर ए एन की बात करते हैं तो ए एन क्या है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स है। इट मीन्स ये हुआ, वी यूज देम बिफोर सिंगुलर countable nouns and adjectives when we refer to any person, place or thing that has not been defined clearly. Naam ye hai indefinite articles, to a an indefinite articles hai. It means ye hua ki a an se hame ye pata nahi chalta hai ki wo kis cheez ke bare mein hum bata rahe hain. That means ye definite ka defined nahi hota hai clearly. Okay, and ऑलवेज याद रखना है, ऑलवेज क्या होता है कि स्टूडेंट्स को, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को आर्टिकल्स का यूज़ और यू कैन से दैट ए एन का यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आता है एंड कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, बिकॉज कि हम लोग ज़्यादा सोच लेते हैं जिस वजह से हमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है ए एन के यूज़ में, जबकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है समझना। Here you see that we use them before singular countable nouns. Before it, you should know that an, the Hindi meaning of an is ek. तो हम लोग उसी चीज को एक बोलेंगे जिसको हम लोग काउंट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। तो हम लोग क्या करते हैं, an का यूज करते हैं सिंगुलर countable nouns के बिफोर, क्लियर है। और यू कैन से दैट कि जो चीज एक रहता है जिसको हम लोग काउंट करते हैं तो उसके बिफोर हम लोग क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। व्हेन वी रेफर टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड, दैट मीन्स ये हुआ कि एन का यूज हम लोग उस नाउन के बिफोर करते हैं जो काउंटेबल है एंड सिंगुलर है, क्लियर है। और हम लोग जब किसी पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स से रेफर करते हैं जो डिफाइंड नहीं है क्लियरली, तो हम लोग वहां पे ए एन का यूज करते हैं। नाउ वंस अगेन, इन अ वन सेंटेंस एंड वेरी सिंपल अबाउट द यूज ऑफ ए एन, दैट इज वी यूज ए एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। Here is singular countable noun. Okay? Here you see that singular countable noun. हम लोग singular countable noun के before क्या use करेंगे, an का use करेंगे। Always याद रखना है, don't be confused about the use of an. हमेशा यही याद रखना है कि singular countable noun के before हम लोग an का यूज करते हैं। एंड आई होप दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट काउंटेबल नाउन्स, बिकॉज इन अ प्रीवियस क्लास आई टॉट यू अबाउट नाउन्स। ओके, प्रीवियस क्लास में हम आपको नाउन्स के बारे में पढ़ाया था, तो उसमें मैंने काउंटेबल नाउन्स के बारे में भी बताया था। तो सो आई होप दैट यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट काउंटेबल नाउन। So here is very clear that we use
एन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउंस, यानी हम लोग ए एन का यूज करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउंस के बिफोर। क्लियर है? नाउ समथिंग मोर अबाउट यूज ऑफ ए एन एंड द। अब हम लोग ए एन एंड द का यूज देखेंगे। अभी तक हम लोग ये समझ गए थे कि ए एन हम लोग कहाँ यूज करेंगे, बट अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे कहाँ पर ए लगाएंगे एंड कहाँ पर एन लगाएंगे। आप लोग कंसोनेंट एंड वोवेल के बारे में पढ़े होंगे। आप जानते हैं वोवेल ए ई आई ओ यू को हम लोग वोवेल करते हैं एंड रेस्ट लेटर को हम लोग कंसोनेंट कहते हैं। बट ऑलवेज याद रखना है, बिकॉज होता क्या है ए एन के यूज में बच्चे जो है कंसोनेंट पे ध्यान देते हैं या वोवेल पे ध्यान देते हैं। हम लोग को कंसोनेंट या वोवेल पे ध्यान नहीं देना है सिर्फ। हियर यू सी ए इज यूज्ड बिफोर नाउन्स दैट बिगिन विथ अ कंसोनेंट साउंड। हियर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज साउंड। हम लोग कंसोनेंट साउंड के बिफोर ए का यूज करते हैं। इट मींस ये हुआ प्रोनाउंस पे हम लोग फोकस करेंगे, प्रोनाउंस को कंसीडर करेंगे कि हमारा प्रोनाउंस क्या है, कंसोनेंट है और वोवेल है। इफ कंसोनेंट रहेगा तो देन हम लोग उसके बिफोर क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। बट अगर हमारा वोवेल साउंड रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। इट मींस ये हुआ कि हम लोग साउंड पे ध्यान देते हैं कि साउंड जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, ए और एन यूज करेंगे। दैट मींस ये हुआ अगर कंसोनेंट साउंड है, अगर प्रोनाउंस में यानी पढ़ने में प्रोनाउंस में कंसोनेंट साउंड आ रहा है तो हम लोग ए यूज करेंगे। क्लियर है? एंड इफ अगर वोवेल साउंड आ रहा है यानी जब प्रोनाउंस हम लोग करते हैं तो वोवेल अगर आता है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। क्लियर है? बोथ ए एंड एन आर यूज बिफोर सिंगुलर नाउंस। अगर हम लोग जानते हैं कि ए एंड एन का यूज हम लोग किसके बिफोर करते हैं, सिंगुलर नाउंस और यू कैन से दैट सिंगुलर काउंटेबल नाउंस। क्लियर है? नाउ हियर यू सी सम एग्जांपल्स। आई हैव अ बुक। आप यहां देख रहे हैं बुक। हम लोग जब बुक को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो साउंड क्या आ रहा है, बी है ना, बी आ रहा है और बी क्या है, कंसोनेंट साउंड है। तो हम लोग इसको जब बुक को प्रोनाउंस कर रहे हैं तो क्या आ रहा है साउंड में, बी आ रहा है। एंड यू नो दैट बी इज अ कंसोनेंट, सो हियर यूज ए है ना। सो हम लोग यहाँ पे यूज क्या किए, ए का यूज किए। बट हियर यू सी यू ईट एन एप्पल। जब हम लोग एप्पल को प्रोनाउंस करते हैं तो हमें क्या आ रहा है, वोवेल साउंड आ रहा है, एप्पल है ना, ए आ रहा है, तो ए हमारा वोवेल है। सो हियर यूज क्या हुआ, एन। अंडरस्टैंड? नाउ अबाउट द। अब हम लोग द का यूज देखेंगे। द के बारे में हम लोग जानते हैं कि द इज अ डेफिनेट आर्टिकल। एज यू सी दैट ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स एंड द क्या है, डेफिनेट आर्टिकल्स है। ओके, नाउ यूज ऑफ द। अब हम लोग द का यूज देखेंगे कि हम लोग द कहाँ यूज करते हैं। द कैन बी यूज फॉर प्लूरल नाउंस। द इज यूज वैन वी नो विच पर्सन थिंग और प्लेस वी मीन। इट मीन्स ये हुआ द का हम लोग उस जगह करते हैं जब हम लोग को ये पता रहता है विच पर्सन थिंग और प्लेस वी मीन। हम लोग किस चीज के बारे में, किस पर्सन के बारे में, किस थिंग के बारे में, किस प्लेस के बारे में बात करते हैं उसके बिफोर हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। क्लियर है? हियर यू सी द एग्जाम्पल, द चेयर इज ब्रोकन।
चेयर क्या है, ब्रोकन है। तो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, द इज यूज्ड व्हेन वी नो हम लोग जानते हैं विच पर्सन थिंग और प्लेस वी मीन, यानी हम लोग द उस जगह यूज करते हैं जब हमें ये पता रहता है कि हम लोग किस चीज के बारे में, किस पर्सन के बारे में, किस प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो द चेयर इज ब्रोकन, दैट मीन्स ये हो गया हम लोग उस चेयर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, तभी तो कह रहे हैं ब्रोकन है। ओके, सो हियर यूज द चेयर इज ब्रोकन, क्लियर है। एंड द नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर थिंग्स विच आर वन ऑफ देयर काइंड्स, इट मीन्स ये हो गया जो चीज दुनिया में एक है, क्या है, एक है, दैट इज वन है ना, ओनली वन है, तो उसके बिफोर हम लोग द यूज करते हैं। जैसे आप देखते हैं द सन, द मून, द स्काई, क्लियर, हम लोग जानते हैं सन एक ही है, मून एक ही है ना। ओके, तो एग्जाम्पल में देखेंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन दुनिया में एक ही है, तो हम लोग इसके बिफोर क्या लगाए हैं, द लगाए हैं, क्लियर है, अंडरस्टैंड। एंड द नेक्स्ट द इज यूज्ड फॉर नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशियंस, माउंटेन्स, अगर हम लोग किसी रिवर्स के नाम की बात करेंगे, ओशियंस के नाम की बात करेंगे, माउंटेन्स के नाम की बात करेंगे, तो उसके बिफोर हम लोग क्या लगाएंगे, द यूज करेंगे। फॉर अगर देखेंगे आप फॉर एग्जाम्पल में द गंगा, द पैसिफिक ओशियन जिसे हम लोग बोलते हैं, एंड द हिमालयाज, द गंगा इज अ रिवर, तो गंगा क्या है, एक रिवर का नाम है, सो वी यूज द बिफोर गंगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज यूज्ड फॉर नेम्स ऑफ मोनूमेंट्स, अब कोई मोनूमेंट्स होता है तो उसके नेम के बिफोर भी हम लोग द का यूज करते हैं, और यू कैन से दैट हिस्टोरिकल प्लेस जो होता है उसके बिफोर हम लोग द का यूज करते हैं। द रेड फोर्ट हिस्टोरिकल प्लेस है, मोनूमेंट्स है, द कुतुब मीनार एंड द लोटस टेम्पल। हियर यू सी एग्जाम्पल, द रेड फोर्ट इज इन दिल्ली, हम लोग जानते हैं रेड फोर्ट एक मोनूमेंट्स है, और यू कैन से दैट एक हिस्टोरिकल प्लेस है, सो वी यूज द बिफोर रेड फोर्ट, अंडरस्टैंड। हम लोग जानते हैं कि रेड फोर्ट क्या है, एक मोनूमेंट्स है, सो हम लोग इसके बिफोर क्या लगाए हैं, दा का यूज किए हैं, क्लियर है। एंड वी यूजली डू नॉट यूज दा बिफोर नेम्स ऑफ पर्स, नेम्स ऑफ पीपुल, अगर हम लोग किसी के नाम की बात करेंगे जैसे राहुल है ना, अनिल, सुनील है ना, सीता, गीता, अनीता, क्लियर है, तो इसके बिफोर हम लोग दा नहीं यूज करते हैं, और यू कैन से दैट आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड। ऑलवेज याद रखना है वी यूजली डोंट यूज डू नॉट यूज द बिफोर नेम्स ऑफ पीपुल, अंडरस्टैंड, किसी पीपुल का नाम, चाहे वो आपका नाम हो, मेरा नेम हो, तो उसके बिफोर हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। वी जनरली डू नॉट यूज द बिफोर नेम्स ऑफ विलेजेस, किसी विलेज के नाम के बिफोर हम लोग दा नहीं लगाते हैं, टाउन्स के नाम बिफोर दा नहीं लगाते हैं, सिटीज और कंट्रीज, क्लियर है। बट कुछ कंट्रीज ऐसा है जिसके बिफोर दा लगता है, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये याद रखना है, कुछ ऐसा कंट्री है जिसके बिफोर दा का यूज कर किया जाता है। आप एक्सेप्शंस में याद रख सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्लियर है, द यूनाइटेड किंगडम, ये सब बिफोर द यूज होता है। बट जनरली क्या होता है, किसी विलेज, टाउन्स और कंट्रीज के नाम के बिफोर द हम लोग यूज नहीं करते हैं। ओके, क्लियर है। नाउ आई वुड लाइक टू रिपीट वंस अगेन अबाउट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हम लोग देखे थे टू टाइप्स का होता है, दैट इज डिफिनिट आर्टिकल्स एंड इनडिफिनिट आर्टिकल्स। अगर डिफिनिट आर्टिकल्स की बात करेंगे तो दा को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल से कैटेगरी में रखते हैं, बट ए एंड एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल्स के कैटेगरी में रखते हैं, क्लियर है। अगर ए एंड के यूज की बात करेंगे तो
तो ए एंड का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउंस बिफोर करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वेयर वी यूज ए एंड वेयर वी यूज एन, हम लोग अब कहां ए का यूज करेंगे एंड कहां एन का यूज करेंगे। तो ऑलवेज याद रखना है वी यूज ए बिफोर नाउंस दैट बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जब नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो हम लोग उसके बिफोर ए यूज करते हैं। और यू कैन से दैट जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट सॉरी जब कोई नाउन को रीड करने में प्रोनाउंस करने में कॉन्सोनेंट अगर आता है तो उसके बिफोर हम लोग ए यूज करते हैं। क्लियर है? ऑलवेज याद रखना है साउंड पे फोकस करना है। किसे फोकस करना है? साउंड पे। क्लियर है? एंड जब वोवेल की बात करेंगे वोवेल साउंड अगर रहेगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? एन यूज करेंगे। क्लियर है? ओके। एंड द का यूज को आप केयरफुली देख लें एंड इसको नोटबुक्स में नोट डाउन कर लें। देन आप इसे 24 आवर्स में 1 वीक में एक बार जरूर रिकॉल करें। तब क्या होगा, आपके माइंड में ये परमानेंटली सेव हो जाएगा। क्लियर है? नाउ आई होप दैट यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अबाउट आर्टिकल्स। क्लियर है? एंड डोंट फॉरगेट दैट दिस वीडियो इज फॉर क्लास 3 to 6। अंडरस्टैंड? बिकॉज यू नो दैट आर्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई प्रीफर क्लास 3 to 6 वॉच दिस वीडियो। ओके। नाउ टूडेज वर्क फॉर यू, फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए एन और द। आप इस क्वेश्चन को केयरफुली स्टडी करें एंड देन आपको जहां पर लगता है ए का यूज होगा, जहां पर एन का यूज होगा, जहां पर द का यूज होगा तो आप उसका यूज करें। क्लियर है? अंडरस्टैंड? आप इस क्वेश्चन को नोटबुक में नोट डाउन कर लें और यू कैन टेक स्क्रीन शॉट ऑफ दीज क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? हियर इज 10 क्वेश्चन फॉर यू, राइट डाउन ऑन योर नोटबुक्स एंड देन आंसर द क्वेश्चन इन द कॉमेंट बॉक्स। ओके। बिकॉज जब आप आंसर देते हैं तो हमें ये पता चलता है कि आप कितना लर्न किए हैं। और यू ऑल्सो गिव आंसर इन द व्हाट्सएप ग्रुप ऑफ योर क्लास, बिकॉज यू नो दैट वी ऑलरेडी मेड द व्हाट्सएप ग्रुप्स। क्लियर है? तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका आंसर दे सकते हैं। अंडरस्टैंड? बट आंसर व्हाट्सएप ग्रुप में देने से पहले आप अपना नाम जरूर मेंशन करें एंड क्लास। ओके। एंड अगर आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर देते हैं तो अपना नाम एंड क्लास मस्ट है मेंशन करना, तभी तो मुझे पता चलेगा कौन किस बच्चे को समझ में आया है या किसको नहीं समझ में आएगा। ओके। अंडरस्टैंड? ओके। थैंक यू टू ऑल। दैट्स ऑल।